नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने सारे पेड़ों को खाद देने के बाद थक गए हो और कोई असर नहीं हो रहा उस पर, आपका पेड़ ग्रो नहीं हो रहा, तो उसको क्या करना है। मात्र 2 रुपए के खर्च से ये बना हुआ है लिक्विड, ये ऑर्गेनिक है और इसको जो है कैसे बनाया जाता है मैं सब वही बताऊँगा। और आपका कोई भी फूल का पेड़ हो, फल का पेड़ हो, सब्जी का हो पेड़, कोई भी ट्री हो, कोई प्लांट हो, सब पे ये कारगर है, सब पे ये काम करेगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये आप जानते होंगे लेमन यानी नींबू, उसको आपको लेना है और उसको क्या करना है, क्या बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है और वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक आप नींबू ले लीजिए मार्केट से 2 रुपए का, आपको उसका रस नहीं निकालना है, आपको उसको टोटल, जी हाँ पूरा कह रहा हूँ, पूरा उसको निकाल के निचोड़ना है और उसके अगर जो है छिलके जो हैं उसको भी आपको जो है मिक्सी में, मिक्सर ग्राइंडर में आप पीस लेंगे। और कोई भी फूल का पेड़ हो, फ्लावर का, सब देखिए बढ़िया खिलने लगा है और उसकी क्या विधि है मैं आपको बताऊँगा आगे। और पेड़ों पर डालने के बाद क्या असर वो भी मैं दिखाऊँगा अपडेट के साथ, तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। ये सर्दी वाले सब फ्लावर हैं ये, तो नींबू को आपको लेना है और उसको काट के मिक्सी में डाल देना है, आपको उसका टोटल बॉडी डालना है उसमें, थोड़ा सा पानी के साथ आपको मिक्सी चला के उसका असर निकाल लेना है। और हाँ 1-2 ग्राम या 4 ग्राम के फिटकरी का टुकड़ा भी डाल देना है इसमें, इससे आपको जो है आपके पेड़ों में जो खाद डालते डालते आप थक गए हों, पीएच वैल्यू गिरा हुआ हो जिससे फूल फल नहीं आ रहे हैं, तो सबका पीएच वैल्यू बढ़ जाता है इसको डालने से। तो दोस्तों वीडियो में देखेंगे आप कि हम इसको मिक्स करने के बाद, मिक्सर से पीसने के बाद इसको जो है अलग रख लेंगे और एक बड़ी बोतल में यानी 1 नींबू 1 लीटर पानी के लिए पर्याप्त है। और उसको आप अगर तुरंत डालना चाहते हो तुरंत भी डाल सकते हैं, वैसे कोशिश करिए सुबह या शाम में इसका सेवन करिए, पेड़ों पर डालिए जिससे जो है असर बढ़िया हो, क्योंकि शाम में डालेंगे तो पूरी रात सीजेगा और सुबह ठंड रहता है, दोपहर में मत डालिए नहीं रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि नींबू में कास्टिक होता है, आयरन सल्फर फास्फेट सब होता है, दोपहर में गर्मी की वजह से रिएक्शन करेगा आपके प्लांट पे। तो आपको इसको शाम को ही डालना है, कोशिश करिए शाम को ही डालिए। देखिए ये कैसे जो है, ये चाइना ग्रीन है, ये देखिए मैंने सब पे छिड़काव किया है जब गमलों में मिट्टी में, और किस तरह से ये खिल कर देखिए पत्ते निकल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों नींबू में जो है फास्फोरस आयरन कॉपर साथ में विटामिन भी होता है, तो गमले की मिट्टी का पीएच वैल्यू 6 से 7 करने के लिए ये सब हमें लिक्विड डालना पड़ेगा, ये ऑर्गेनिक है। आप बाज़ार से लेंगे तो उतना आपको सही नहीं पड़ेगा, आप ज़रा सा भी ज़्यादा करेंगे तो आपका पेड़ ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो कोशिश करिए सर्दी में इसका छिड़काव ज़रूर करिए और ये जैविक ऑर्गेनिक है, इसको हमेशा आप यूज़ करिए, क्योंकि हर कोई आदमी एप्सम साल्ट का यूज़ नहीं कर सकता, उसको अंदाज नहीं रहता, वो पेड़ ख़राब हो जाता है उनके छिड़काव से, छिड़कने से, तो ये एप्सम साल्ट का सब्स्टिट्यूट है। तो इस तरह से आप लिक्विड बनाइए और हो सके तो बोतल में बनाकर साइड एरिया में छांव में रख दीजिए और कोशिश करिए कि बोतल को जो है 1-1.5 इंच खाली ही रखिए, क्योंकि इसमें रिएक्शन होता है नींबू के होने की वजह से और गैस बन जाएगी, अगर बोतल आप फुल रखेंगे तो बोतल फट भी सकती है। तो इसको आप इस तरह से रखें और महीने में 1-2 बार ज़रूर छिड़काव कर दीजिए अपने गमलों में, क्योंकि पीएच वैल्यू का मान बढ़िया बना रहे और 6 से 7 के बीच में पीएच वैल्यू रहे, क्योंकि जिन मिट्टी में पीएच वैल्यू गिर जाती है, डाउन हो जाता है, तो उसमें जो है फल फूल सब्जियां नहीं लगती सही से, चाहे जितना आप उसमें खाद डाल दीजिए। दोस्तों हफ्ते में 1 बार इसको ज़रूर डालिए, आपका सब्जी का पेड़ हो, फल का हो या फूल का हो, कहीं भी डालिए आप, स्पाइडर प्लांट हो या आपका
या फिर जो है डहलिया हो, गुलदाउदी हो, कोई भी एनी ट्री एनी प्लांट, और कोशिश करिए इसका छिड़काव मिट्टी में ही करें। और अगर आपको स्प्रे गन से छिड़कना है तो पहले उसको छान लीजिए 2 से 3 बार, उसके बाद आपको इस स्प्रे गन में डालकर शाम को इस पर स्प्रे कर दीजिए। छानना इसलिए है कि मान लीजिए अगर स्प्रे गन में फंस जाएगा इसका एक भी रेशा नींबू का, तो आपकी स्प्रे गन बेकार हो जाएगी। तो दोस्तों, इन सब सावधानियों को बरतते हुए आपको जो है अपने जो है बगिया में इस तरह से छिड़काव करना है। नींबू के साथ आपको 2 से 3 ग्राम के एक फिटकरी टुकड़ा भी ले लेना है, वो और बढ़िया कारगर होगा साथ में। अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं, खाली नींबू ही काम करेगा आपका। अगर मिल जाती फिटकरी का टुकड़ा तो और अच्छी बात है। तो दोस्तों देखिए किस तरह से ये इसमें जो है चमक आ गई है पत्तियों में, और ये देखिए वंडरिंग जीव है ये, पहले सूखा था बाद में दिखा रहे हैं आपको ये किस तरह से डेवलप हुआ है। ये इस तरह से आप भी छिड़किए और अपने बगिया को खुशहाल बनाइए। दूर से देखने में पत्तियां चमकने लगती हैं, देखिए कोई नुकसान नहीं होता इसे। ये ऑर्गेनिक है, आप बेहिचक डालिए बना के इसका लिक्विड। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें और आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए। आपको मैं रोज़ एक से एक नॉलेजेबल वीडियो बनाकर प्रोवाइड करूँगा जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो देखिए अरेका पाम में भी मैंने डाला हुआ है और ये कितना बढ़िया ये डेवलप हो रहा है, पहले पीला था अब देखिए हरा हो चला है। कोई भी प्लांट हो A to Z, मैंने आपसे कहा ना, सब्जी का हो, फल का हो, फूल का हो, सब में ये काम करेगा। ऐसा नहीं कि फूल का अलग है सब्जी का अलग है, सब में ये बहुत बढ़िया काम करेगा। आप डाल कर देख लीजिए, अगर वर्क करेगा तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, मैं आपके लिए एक से एक वीडियो बनाकर प्रोवाइड करता रहूँगा। और आपके लिए आपका नॉलेज बढ़ाता रहूँगा। कुछ भी आप A to Z हमसे पूछ सकते हैं पेड़ पौधों के बारे में। अब दोस्तों हमें आज्ञा दीजिए, कल मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा, फिर मैं कह रहा हूँ आपसे, आपको किस प्लांट के बारे में जानकारी चाहिए हमें जो है मैसेज भेजिए, मैं उस प्लांट के बारे में पूरी ट्यूटोरियल आपको बना कर दूँगा। और कोशिश करूँगा कि मेरे दोस्तों को नॉलेज हो जाए, बिगिनर हैं उनको भी नॉलेज हो जाए कि किस तरह से पेड़ पौधों को लगाया जाता है। गुड बाय दोस्तों।